एनडीए सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने गुजरात के राजकोट में कहा कि 8 साल में हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता को सिर झुकाना पड़े। आपने मुझे जो संस्कार और शिक्षा दी, समाज के लिए जीने की बातें सिखाई, उसकी ही बदौलत मैंने मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, ना भाई भतीजावाद रहता है और ना जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को नागरिकों तक पहुँचाने में जी जान से जुटी हुई है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट के एटकोट में KDP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी में जब गरीबों के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न भंडार खोल दिए। हमारी माताएं बहनें सम्मान से जी सके इसलिए हमने उनके जन धन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब के घर की रसोई हमेशा चलती रहे।